10th class, your next topic is e-reservation. What do you mean by e-reservation? Making reservation of tickets or hotel rooms or tourist packages, etc. through internet is known as e-reservation. मतलब reserve करना, book करना tickets को, hotel rooms को या फिर tourist packages को internet के through क्या कहलाता है? e-reservation कहलाता है. इसके benefits क्या हैं? सबसे पहले है सेफ्टी. सेफ्टी में क्या रहता है कि रिलायबल होता है, सेफ होता है. अगर आपको कोई चेंज करना है घर पर बैठे अपनी टिकट्स में तो आप लोग कर सकते हैं इजीली. ईज क्या है? इजी टू परचेज है. ऑनलाइन कर सकते हैं आप इसको. बुक करते हैं तो आप इसको प्रिंट भी ऑनलाइन ही कर लेते हैं घर पे बैठे ही. और अवेलेबल एनीवेयर, कहीं पर भी आप लोगों का अगर इंटरनेट कनेक्शन आपके पास अवेलेबल है तो आप कहीं पर भी टिकट्स को बुक कर सकते हैं. और फास्ट है, मैनुअल मेथड से तो फास्ट है. टाइम कम लगता है, लाइन में नहीं लगना पड़ता. उसके बाद एप्लीकेशन एरियाज, मीनिंग कहाँ कहाँ ये यूज होता है. पहले ट्रेवल टिकट्स, यानी कि आपको कोई एयर टिकट्स बुक करवानी है, रेलवे टिकट्स बुक करवानी है तो वो टिकट्स आपकी यहाँ से बुक हो जाती हैं. होटल के रूम्स बुक करवाने हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, होटल्स के रूम्स बुक करवाने हैं तो वो भी आपके ऑनलाइन हो जाते हैं. स्पोर्ट्स मैचेस के टिकट्स, मूवीज की और इवेंट्स की. इवेंट्स में आपका एग्जीबिशन आ जाते हैं, फेयर्स आ जाते हैं, लाइव परफॉर्मेंसेज आ जाती हैं, तो इन सब का आप लोग बुकिंग करवा सकते हैं. और ये बुकिंग आप लोग कैसे कैसे करवा सकते हैं, ये आपके ई रिजर्वेशन प्रोसेस में यहाँ पर दिया गया है. नेक्स्ट टॉपिक है ई गवर्नेंस. ई गवर्नेंस का क्या है आपका, कि ई गवर्नेंस रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इन गवर्नेंस विद एन एम ऑफ फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉमन मैन एट अफोर्डेबल कॉस्ट एंड इन फास्टेस्ट पॉसिबल टाइम. मतलब कि आपको यहाँ पर क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी गवर्नमेंट जो है आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है वो आपका फुलफिल करना इंटरनेट पर. और कॉमन मैन को जो है उससे बहुत फायदा है, और क्योंकि जो काम है सरकार के वो अफोर्डेबल कॉस्ट पर हो जाते हैं और जल्दी हो जाते हैं. क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के जो वो ऑनलाइन हमें दे रही हैं, वो है MC21 इंडियाज प्रेस्टीजियस 2GB सर्विस पोर्टल. पासपोर्ट और वीजा के लिए आप लोग अब ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. इनकम टैक्स ऑनलाइन फिल कर सकते हैं. कोई नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया से कुछ रिलेटेड, DRDO से रिलेटेड कोई, साइंस से रिलेटेड काम, सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलेटेड काम आपका, इंडियन कोर्ट से, RTI, ये सब आपका कहाँ हो जाता है, गवर्नमेंट के थ्रू. जो गवर्नमेंट आपको पॉलिसीज प्रोवाइड करवा रही है उसके थ्रू आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं. फिर सोशल इम्पैक्ट्स में आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट्स रहता है. पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में क्या है कि ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो गई है सिस्टम में, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी पेटीएम हो जाते हैं. आपको लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता, कोई ब्लैक मनी नहीं गई, जितने का बिल आया उतना ही भरा गया. तो ये सब आपका ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करता है, करप्शन रिड्यूस करता है, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी बताता है, एडमिनिस्ट्रेशन पावर बढ़ गई है और आप लोगों को वेट नहीं करना पड़ता अब लाइंस में खड़े होकर. और आपकी जो कॉस्ट है, अवेलेबल सर्विसेज जो हैं वो भी रिड्यूस हो गई हैं और आप लोगों का करप्शन कुछ हद तक डिक्रीज हो गया है और पब्लिक पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो गई है. नेगेटिव इम्पैक्ट में बात करें तो बच्चे ई गवर्नेंस का सारा नेगेटिव इम्पैक्ट रूरल एरियाज में जाता है, कि आप लोग रूरल एरियाज के जो लोग हैं वो उनको पता ही नहीं है कि कंप्यूटर चलाते कैसे हैं, वो सर्विसेज उनको अवेल करनी नहीं आती है, उनको ये डर रहता है कि हमारा क्रेडिट कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टील ना हो जाए, और हार्डवेयर ही नहीं है, सॉफ्टवेयर ही नहीं है, लोगों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, उनको ये नहीं पता है कि भाई उसको चलाना कैसे है, फोन नहीं चलाने आते हैं, और बैंक्स इतने नहीं होते हैं गांव में कि बैंक के लोग ही उनको अवेयर कर दें. तो ये सब आपके नेगेटिव इम्पैक्ट में रहेंगे, ई गवर्नेंस का नेगेटिव इम्पैक्ट जो रहता है. उसके बाद ई ग्रुप्स में आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ब्लॉग, ब्लॉगर, ब्लॉगिंग पढ़ा है, न्यूज ग्रुप पढ़ा है. उसमें हम लोगों ने यही बोला कि ब्लॉग लिख दिया, एक कॉमन इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी डिस्कस कर दिया और लोगों ने अपने कमेंट्स छोड़ दिए. उसके बाद आप लोगों का आ जाता है था न्यूज ग्रुप, आप लोगों ने पढ़ा. वो क्या था कि एक पर्टिकुलर न्यूज के बारे में डिस्कशन होती थी. और ई ग्रुप क्या है, ये भी सेम है कि एक ऑनलाइन कम्युनिटी बना दी जाती है, मतलब ऑनलाइन लोगों का एक ग्रुप बना दिया जाता है जहां पर वो लोग जो हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं. जैसे कि आप लोगों का एक फैमिली ग्रुप बना दिया जाता है बच्चे व्हाट्सएप पे, और वहां पर आप लोग डिस्कशंस करते हैं कुछ किसी टॉपिक को लेकर, एक दूसरे को मैसेजेस सेंड करते हैं. तो वही चीज यहां पर है, जो मैसेजेस आप लोग सेंड करते रहेंगे उसको हम लोग थ्रेड्स बोलेंगे.
अभी वैसे यहाँ पर क्या है कि अ मैसेज पोस्टेड इन सच अ वे कि भाई ऐसे पोस्ट किया जाता है, एक मैसेज एक डिस्कशन वे में पोस्ट किया जाता है उसको हम लोग पोस्ट कहते हैं, और सारी पोस्ट जो है वो डिस्कशन बोर्ड पर लगा दी जाती है ताकि जितने भी मेंबर्स हों ग्रुप के वो सारा वो मैसेजेस को देख सकें। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों के groups.yahoo.com, groups.google.com ये आप लोगों के हैं जहाँ पर ऑनलाइन ग्रुप्स जो हैं बनते हैं। ओके, उसके बाद फीचर्स ऑफ ई ग्रुप्स में आप लोगों को मैं बता रही थी कि जब आप लोग एक दूसरे को मैसेजेस सेंड करते हैं, करते करते जब पूरा एक पोस्ट बन जाता है तो वो हम कहते हैं कि एक के बाद एक मैसेज जब ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी कि वो थ्रेड मैसेजेस ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब एक के बाद एक वो थ्रेड बनता चला जाता है। और जो ई ग्रुप्स होते हैं वो उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं जिनका शेड्यूल बिजी होता है, मतलब वो अगर एक बार भी उन ग्रुप्स में ना भी देख पाए कि क्या चल रहा है तो मैसेजेस पोस्ट हो जाते हैं सारे तो वो पढ़ लेते हैं। बेनिफिट्स क्या रहता है कि लोग जो हैं एक दूसरे के साथ टच में रहते हैं और मीटिंग प्लान कर सकते हैं और वेकेशंस प्लान कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं एक दूसरे को और अपनी फोटो एल्बम देख सकते हैं, और मतलब डिपेंड करता है लोगों को कि क्या उनका कॉमन इंटरेस्ट रहता है उसके बारे में वो डिस्कस करें, और जितने भी आपके ई ग्रुप्स के पेजेस होते हैं वो सब के सब आपके HTML लैंग्वेजेस में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है सोशल नेटवर्किंग का। सोशल नेटवर्किंग क्या कहता है बेटा, इज द यूज ऑफ इंटरनेट बेस्ड सोशल मीडिया प्रोग्राम्स टू मेक कनेक्शंस विद फ्रेंड्स, फैमिली, क्लासमेट्स, कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स। सोशल नेटवर्किंग क्या है, यूज करना एक सोशल मीडिया प्रोग्राम्स का जिसमें कि हम लोग कनेक्शन बना सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, क्लासमेट्स के साथ, कस्टमर्स के साथ और क्लाइंट्स के साथ। और साइट्स हमें क्या अलाउ करती हैं, हमको एक वेन्यू देती हैं उन लोगों के लिए जिसके साथ हम लोग अपने पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेकर कुछ व्यूज शेयर कर सकें। और ये हमारी फेसबुक है, गूगल प्लस, लिंक्डइन एंड ट्विटर जो है ये हमारी कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट है। हम इसमें अपना व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये भी हम लोग ऐड कर सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन से बात करते हैं।